हेलो गाइस वेलकम टू डॉग बूस्टर नॉलेज चैनल और लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं कैसे अप्लाई करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें हमें चाहिए तो सबसे पहले तो आप यूपी मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर जाएँ वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करें जिसमें आपका फ़ोटो पेस्ट होता है और साइन का कॉलम होता है दोनों को हमें फ़ोटो पेस्ट करके साइन करके अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ, एसडीएम या एडीएम से अटेस्ट करवानी पड़ती है उसके बाद जब उसको अपलोड हम करते हैं तो फिर फोटो वाला जो कॉलम होता है उसको क्रॉप करके फ़ोटो वाले कॉलम में अपलोड करना होता है जो साइन वाला कॉलम होता है उसको सिर्फ उतना ही सिर्फ सिग्नेचर ही अटेस्टेड साइन के साथ क्रॉप करके साइन वाले कॉलम में अपलोड करना होता है अब नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड आधार कार्ड भी आपका जो है वो आ, फ्रंट और बैक दोनों जो है वो अपलोड आपको स्कैन करवा के करना है उसमें देख लीजिएगा वेबसाइट में मेंशन होता है जे फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट किस में हमें अपलोड करनी है वो जब आप अपलोड करने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स तो उस कॉलम में ना वो मेंशन रहता है कि इस डॉक्यूमेंट को जेपीजी में अपलोड करना है या फिर पीडीएफ में अपलोड करना है पीडीएफ वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थ्री एम बी के थ्री एम बी से लेस ही होते हैं हमेशा थ्री एम बी से ज़्यादा होंगे तो वो आपके अपलोड नहीं होंगे और जेपीजी का आप देख लीजिएगा आई एम नॉट श्योर आई थिंक वन एम बी से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए जो जे पी जी फॉर्मेट है नेक्स्ट आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपने फोटो अपलोड कर दिया आपने साइन अपलोड कर दिया आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया उसके बाद आता है आपका एफिडेविट एक हमें यू से एफिडेविट का फॉर्मेट मिलता है जिसे हमें सौ रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवाना पड़ता है और वो फिर हमें पोस्ट भी करना होता है लखनऊ में लखनऊ में यू की आ, एड्रेस पे वो पोस्ट करना होता है तो जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएँ और उसको पोस्ट करें तो मेक श्योर sure कि आप उसकी रिसीविंग को भी स्कैन करवा के एफिडेविट में जो है वो मर्ज करा लें उसे अगर वो जो इम्प्लॉज होते हैं यूपीएमसी के अगर वो आपकी फ़ाइल और डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे हैं तो उनको एक एश्योरिटी हो जाती है कि हाँ एफिडेविट आ रहा है और ये इसकी रिसीविंग है तो शायद प्रोसीजर ईजी हो जाएगा जल्दी नेक्स्ट आता है हमारे और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री की डिग्री में क्या है कि बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन ही मांगते हैं विथ एपोस्टाइल बट आप पूरी डिग्री भी स्कैन करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पूरी रशियन डिग्री या फिर जिस भी कंट्री से आपने की है वो प्लस उसका ट्रांसलेशन एपोस्टाइल वो एक ही बार में पी में स्कैन करके और तीन एम से कम होनी चाहिए वो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हम आते हैं पासिंग सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन कराना है और जहाँ तक तो तो मुझे याद है जे पी फॉर्मेट में होगा नेक्स्ट आते हैं हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन कराना है और ये भी शायद जे फॉर्मेट में होगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपलोड करते टाइम कॉलम में क्या है उसके बाद आते हैं रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज से एन या फिर और जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसको भी हमें एक ही पी में मर्ज कराना होता है जैसे तीन डॉक्यूमेंट हैं चार डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमें एक ही पी में मर्ज करा के अपलोड करना होता है पी फॉर्मेट में नेक्स्ट हम आते हैं डोमिसाइल डोमिसाइल बनवाना होता है हमें डोमिसाइल अगर आपके पास तीन साल से अंदर का है तो वो वैलिड होगा अगर तीन साल से ज़्यादा का है तो वो वैलिड नहीं है आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा डोमिसाइल बनवाएं और पासपोर्ट स्कैन करवाएं डोमिसाइल और पासपोर्ट एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करनी होती है और फिर से आपको याद दिला दूँ कि वो भी तीन एम से कम में ही होनी चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार और आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा मैंने कोशिश की आपको बताने की पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसमें लगते हैं बात करते हैं हम फीस की यूपीएमसी मेडिकल काउंसिल की फीस मेरे ख्याल से फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी होती है इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह तो वो एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको मेल आती है कि यस यू तो डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एंड यू कैन कंटिन्यू विथ पेमेंट वो आपके मेल पर आपको आ जाएगा उसके बाद प्रोविजनल आने में आपको मिनिमम टू मंथ्स लगते हैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि वेरीफिकेशन थोड़ा लंबा होता है उत्तर प्रदेश में सो so, ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं यूपीएमसी के आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें तो अगर आपको उत्तर प्रदेश में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो ये इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं और अगर इन केस कोई चीज़ चेंज होती है या कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए आप यू की वेबसाइट पर जाएँ और उनकी गाइडलाइंस उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ओके थैंक यू फॉर लिसनिंग That's all.